भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज महापर्व है। देश भर में, दुनिया भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस की बहुत धूम जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्कॉन टेंपल द्वारका में। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से भक्तों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त जो है वो दिल्ली के इस्कॉन टेंपल में जो है वो देखने को मिली। और यही तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इस्कॉन, चाहे वो ईस्ट ऑफ कैलाश हो, चाहे वो नोएडा हो, उन तमाम इस्कॉन में इसी तरीके की भीड़ और भगवान श्री कृष्ण के हर मंदिर में इसी तरीके की भीड़ आराधना करते हुए लोग जो है वो आपको भक्त जो है वो नजर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा दूं कि भगवान श्री कृष्ण के सामने आप दर्शन जो है वो करेंगे और यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ जो है वो इस वक्त मंदिरों में देखने को मिल रही है। और इस मंदिर में तमाम जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। इस्कॉन टेंपल की तरफ से तमाम जो भक्त यहाँ आएंगे उनके लिए स्पेशल भोग की व्यवस्था जो है वो की गई है। लगभग 1,00,000 भोग जो है वो तैयार किए, जिनमें से 10,000 भोग जो है वो भक्त अपने घरों से तैयार करके लाएंगे, जिनका भोग भगवान श्री कृष्ण को जो है वो लगेगा। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को जो जलाभिषेक है वो अलग अलग कलशों के जरिए किया जाएगा। सबसे पहले पीतल, तांबा और उसके बाद अगर बात की जाए चांदी और स्वर्ण कलश के जरिए भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया जाएगा, आरती की जाएगी और सुबह 4 बजे से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू है और भक्तों की सुबह से ही कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ लगभग 10:30 बजे के आसपास भगवान श्री कृष्ण का महाजलाभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा 12 बजे महा आरती होगी, जहाँ पर लगभग 30,000 से ज्यादा लोग एक साथ मंच के जरिए जो इस पूरे महाजलाभिषेक और आरती का लुत्फ जो है वो उठा सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पूरे इस वक्त इस्कॉन मंदिर के अंदर तमाम जो भक्त हैं वो भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भक्त नाच गा के भगवान श्री कृष्ण के जन्म का प्रकट का जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म है उसका उत्साह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में यहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नन्हे मुन्ने बाल श्री कृष्ण जी आपको नजर आएंगे। उसके अलावा आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से भजन जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो यहाँ पर राधाएं जो है वो यहाँ पर नृत्य करके भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर रही है, उनके जन्म का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर भक्त पूरे वक्त इस वक्त भक्ति में लीन जो है वो नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इन तमाम भक्तों से भी हम जो है वो बातचीत करें, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर खास तरीके से सेवादार भी जो है वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को भी कोई परेशानी ना हो, यहाँ पर जो भक्त पहुंचे वो आराम से दर्शन जो है वो कर सके, उसकी भी खास व्यवस्था जो है वो यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर की गई है। पूरे मंदिर में तमाम सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक जो है वो ना हो। और भी भक्त है, कहाँ से आप आए हैं? उत्तम नगर। से दर्शन हुए? हाँ जी, दर्शन हो गए। बेस्ट दर्शन अभी करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है आज, क्या कुछ मांगा भगवान से? अभी तो दर्शन करने जा रहे हैं फिलहाल। आप कहाँ से आए? यूपी से। यूपी? यूपी से कहाँ से? लखनऊ। दर्शन हुए? यस सर। कैसे दर्शन? बेस्ट, अभी तो जस्ट आया हुआ हूँ। जो तमाम भक्त हैं दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से नहीं बल्कि यूपी से, आप कहाँ से आए हैं? हम द्वारका मोड़ से आए हैं। आप कुछ कहेंगे भगवान श्री कृष्ण? जन्मदिन है आज, क्या कुछ तैयारियाँ घर पे? घर पे बहुत कुछ तैयारी है, लेकिन हम सारा 12 बजे रात तक यहीं रहेंगे। 12 बजे रात तक यहीं होंगे। आप कहाँ से हैं? द्वारका मोड़। द्वारका से ही आए हैं। क्या कुछ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, क्या कुछ तैयारियाँ खास आपने? सही है सब। क्या तैयारी करी है आपने घर पे? बहुत अच्छा करी है, सब बनाया है, सब खाना बनाया, अच्छी तैयारी करी है। के लिए खाना बनाया है, आप देख सकते हैं और भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगी, किस तरीके से भक्त इस वक्त भक्ति के अंदर लीन जो है वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अगर कहा जाए तो सावन का वक्त था और जब लगातार बारिश जो है वो हो रही थी और उस वक्त आज से लगभग 5,251 वर्ष पूर्व ही यही समय था जब भगवान श्री कृष्ण का 12 बजे के बाद जन्म उत्सव जो है वो हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद
यहाँ पर इसी तरीके से पर्व जो है वो रहते और वही पूरा टाइम इस वक्त भी जो है वो इस साल पूरे जो है मनता हुआ नजर आ रहा है। और हम आपको बता दूं कि जिस तरीके की व्यवस्था है वो खास यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो फिलहाल की गई है और अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आरती हुई है और आरती के बाद यहाँ पर तमाम भक्तों को भोग जो है वो दिया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि भक्त किस तरीके से सेवा कर रहे हैं। आप छोटे छोटे बच्चे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा के रूप में आए हैं। इनसे भी हम बातचीत करें। कहा जनकपुरी जनकपुरी क्या तैयारी भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के तैयारी भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए आज भगवान का जन्म है क्या तैयारी है घर पे सब तैयारी है। सब तक सजा रखा है मंदिर सजा रखा है बच्चों को तैयार करके रखा है और 12 बजे हम लोग काटेंगे केक। आप कहाँ से अच्छा है सफात में दिल्ली से श्री कृष्ण बना करके लेकर के आए हैं क्या तैयारी घर पर अब की बात बहुत अच्छा है बस केक काटेंगे 12 बजे सर। हरे कृष्ण क्या कहेंगे भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्या तैयारी है सबका कल्याण करें दर्शन होगा। देखिए कि भक्त भक्ति में इस वक्त लीन जो है हम अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर बाल कलाकारों को लेकर के यहाँ पर तमाम जो भक्त है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर नजर आ रहे हैं और भी कई सारे लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं यंगस्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका सचित ये कहाँ से है मैं हूँ साउथ दिल्ली से स्पेशली आया हूँ द्वारका इस्कॉन टेम्पल क्योंकि सेवा भी और साथ में भगवान के दर्शन भी। ये बताइए कि क्या कुछ क्या तैयारी घर पर की गई है भगवान श्री कृष्ण के स्वागत पे पूरी तैयारी और पास के मंदिरों में भी रात को 12 बजे प्रसाद खाने के बाद यहाँ पे यहाँ से प्रसाद अभिषेक करने के 12 बजे के बाद उसके बाद फिर भोजन करते उपवास खोलते वैसे सेलिब्रेट करते हुए जो तैयारियों के साथ है और मंदिर के में पूजा सेवा अर्चना के बाद अपने घर पहुंचेंगे और घर जाकर के भी खास तैयारियां जो है वो की गई हैं और भी आप देखेंगे भक्त जो यहां पर पहुंच रहे हैं उनको किस तरीके से उनका स्वागत भी जो है वो कौन मंदिर की तरफ से किया जा रहा है। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं यहाँ पर और साथ ही साथ भगवान को हर कोई अपने कैमरे की तस्वीरों में कैद करना चाहता है और फोटो वीडियो सेल्फी का जमाना है और ऐसे में भगवान की जो तस्वीरें हैं उनको कैमरे में कैद करते हुए फिलहाल जो है वो तमाम भक्त इस वक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन क्या कुछ कहेंगे क्या तैयारियाँ तैयारी बढ़िया है मस्त है। ये आप देख सकते हैं कि भक्त जो है वो यहाँ पर लगातार भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जन्मोत्सव की तैयारी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे और भी आगे की तरफ जाएं भक्तों से और भी जो है वो बातचीत करेंगे लेकिन आप देख सकते हैं कि सुबह से ही ये तस्वीरें जो हैं वो इस्कॉन मंदिर में इस वक्त जो है वो नजर आ रही है और भक्त जो है वो उनकी कतार जो है वो फिलहाल इसी तरीके से लगातार जारी है और इसी तरीके का पूरा माहौल जो है वो देश भर में इस वक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। हर कोई उत्साहित है दिल्ली से लेकर के मथुरा वृंदावन में भी इसी तरीके की खास व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। मैं लगातार अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी और भी दिखाएं कि हर कोई चाहता है कि दर्शन भगवान श्री कृष्ण के एक झलक जो है वो पा सके और आज तक के इस माध्यम के जरिए तमाम जो दर्शक हमारे से लगातार जुड़ रहे हैं वो दर्शक डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर इस्कॉन मंदिर के दर्शन जो है वो कर सकते हैं उनकी ही तमाम तस्वीरें जो है वो यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो कैद करते हुए नजर आ रहे हैं और फिलहाल इस तरीके के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आरती हुई है और अब से तकरीबन कुछ घंटे बाद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक जो है वो किया जाएगा जिसमें कॉपर पीतल और सिल्वर के साथ साथ जो सोने के कलश है उनसे जलाभिषेक जो है वो किया जाएगा चरणामृत से अभिषेक किया जाएगा। 56 भोग के भगवान श्री कृष्ण के पकवान की व्यवस्था जो है वो की गई है। जो लोग अपने घरों से पकवान बनाकर के ला रहे हैं उनके लिए भी खास व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण में उसका भोग लगा सके उसकी भी व्यवस्था जो है वो की गई है। रंगारंग कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर किया गया है। स्कूली बच्चे जो है वो बढ़ चढ़ करके राधा श्री कृष्ण की लीलाओं का अवलोकन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं ताकि एक संदेश जो है वो पूरे देश भर के अंदर दे सके कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देश दुनिया में फैली हुई है उनका स्वागत जो है वो किस तरीके से धूमधाम से किया जाता है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा दिल्ली आज तक।